नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 10T वर्सेस Infinix Note 12 Turbo का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 10T में 6.37 इंच जबकि Note 12 Turbo में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Note 10T में 2.96 इंच जबकि Note 12 Turbo में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Note 10T में 0.35 इंच जबकि Note 12 Turbo में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 10T में 190 ग्राम जबकि Note 12 Turbo में 184.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Note 10T में IPS LCD जबकि Note 12 Turbo में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम है, 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Note 10T में 6.5 इंचेस जबकि Note 12 Turbo में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 10T में 83.72% जबकि Note 12 Turbo में 85.79% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 10T में 405 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Note 12 Turbo में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 10T में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Note 12 Turbo की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Note 10T में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Note 12 Turbo की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Note 10T में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Note 12 Turbo में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 10T में MediaTek Dimensity 700MT6833 और Note 12 Turbo में MediaTek Helio G96 मिलता है। बात करें RAM की तो Note 10T में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है, जबकि Note 12 Turbo में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Note 10T में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Note 12 Turbo में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Note 10T में अप टू 1TB जबकि Note 12 Turbo में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Note 10T में Android V11 जबकि Note 12 Turbo में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Note 10T में 4 कलर्स जबकि Note 12 Turbo में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Note 10T में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीज़ 6
6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,750 रुपीस में मिलता है और बात करें Note 12 Turbo की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi Note 10T में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Infinix Note 12 Turbo की तो उसमें 6 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Note 12 Turbo आगे है, मेन कैमरा में Note 12 Turbo आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Note 10T आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 7 Pro है, दूसरा Nokia 3.4 है, तीसरा Vivo V20 SE है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Hot 10 Play है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।